दुनिया भर में सभी सेक्टर्स के जहाज साइज में बड़े से और बड़े होते जा रहे हैं कंपनीज में आपस में इस बात का कंपटीशन है कि, कि किसके जहाज बड़े और बेहतर होंगे इस कारण ये मेगा मशीनें इंजीनियरिंग का आधुनिक चमत्कार बन गई हैं। जैसे कि ये जहाज जो कि उस ट्रक से लगभग 20 गुना ऊंचा है और ये वाला तो भाई इतना विशाल है की ये दूसरे जहाज के पूरे बेड़े को ले जा सकता है इन विशाल कलाकृतियों के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए दोस्तों सुपर साइज कंटेनर शिप अपनी खोज शुरू करने के लिए आइए साउथ कोरिया की ओर चलते हैं जहां रिकॉर्ड तोड़ने वाले एच एम एम एल जी स्वराज को 2020 में वापस लॉन्च किया गया था यह अविश्वसनीय कंटेनर जहाज अपने विशाल डेक पर लगभग 24,000 कंटेनर्स को कैरी कर सकता है इसकी लंबाई तेरह फीट है और चौड़ाई दो फीट ऐसी ज्यादा है ये इतना बड़ा है की इसमें चार फुटबॉल मैदान एक साथ रखने आरोप समा आए हालांकि आप इसके डेक आरोप पिक स्किन इधर उधर नहीं फेंक सकते हो भाई क्यूँकी ये आमतौर आरोप आठ फीट के स्टैंडर्ड कंटेनर ऐसी लोड होता है जो की चौबीस की में अरेंज किए होते हैं और जब ये सब पूरी तरह से स्टेप अप किए होते हैं तो ये 109 फीट की गजब की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं तो जगह के साथ एच एम एम एल जी से राज सुदूर समुद्रों में क्या कारनामा कर सकता है वेल well, एक ही ट्रिप में ये इन सारी चीजों को ले जा सकता है आठ दशमलव तीन पाँच मिलियन से अधिक माइक्रोवेव ओवन दो सौ तेईस मिलियन केले या अगर आपको पहनने की चीजों से कंपेरिजन करना है तो भाई ये तीन सौ छियासी मिलियन जोड़ी जूते भी ले जा सकता है यार ये आंकड़े इतने इंप्रेसिव है की ये इसे आज के समय में अपनी तरह का सबसे बड़ा जहाज बनाते हैं लेकिन ये रिकॉर्ड ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला क्योंकि चीन के शिपयार्ड में दो नए कंटेनर जहाज बनाए जा रहे हैं जिनमें से प्रत्येक की चौबीस विशाल कंटेनर को ले जाने की कैपेसिटी है इनकी लगभग में यात्रा शुरू करने की उम्मीद है लेकिन भाई तब तक तो एच HMM एम एम एल जी सराज कंटेनर जहाजों का एक बना रहेगा अब अगर आपको इस तरह के फैक्ट्स के बिना नहीं चलता है तो भाई आप अपने उस कर्सर को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर तैराते हुए ले जाइए और फटाफट से क्लिक कर दीजिए अब क्योंकि हम जहाजों की दुनिया में हैं तो चलिए वो आपस डुबकी लगाते हैं विशाल कंस्ट्रक्शन वेसल इस पर अक्सर क्रेन्स ऑयल पाइपलाइंस और यहाँ तक की ऑयल रिक की टॉप साइड लदी होती है पाइनियरिंग स्प्रिट के ये आइकोनिक ट्विन हल्स इतने भारी भरकम लोड की ट्रांसपोर्टिंग को भी आसान बना देते हैं बारह फीट लंबे और चार फीट चौड़े इस सुपर साइज जहाज को दुनिया का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन वेसल माना जाता है इतना बड़ा है कि अगर इसे एक साइड पर झुका दिया जाए तो ये एफिल टावर से भी ज्यादा चौड़ा हो जाएगा और अगर यही एक गजब की बात नहीं है तो भाई माइनरिंग स्प्रिट को दस हजार सौ टन के टावर को भी ऊपर उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इसकी लिफ्ट कैपेसिटी अड़तालीस हजार टन तक पहुंच सकती है इनफैक्ट ये इतना पावरफुल है कि 2017 में इसने समुद्र में सबसे बड़ी सिंगल लिफ्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया था इसने चौबीस टन ब्रांड डेल्टा प्लेटफॉर्म के टॉप साइड को उठाकर हटाया था भाई ये फ्रांस के उस फैंसी टावर के वजन से साढ़े गुना ज्यादा है अब जमीन पर चीजों को उठाना तो एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है क्यूँकी कई मशीनों को आसानी से ग्राउंड पर पकड़ बनाकर काउंटरवेट किया जा सकता है लेकिन समुद्र में लिफ्टिंग करने वाली वेसल्स को एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग की जरूरत होती है ताकि जहाज और उसका माल एकदम से पलट ना जाए और यहीं से पाइनरिंग का सेमी सीक्रेट अपना कमाल दिखाता है ये खुद को पानी की सतह से अठासी फीट नीचे तक पार्शली डुबो देता है इससे ये अपने हल को एक ऑयल रिक के दोनों टॉप साइड के नीचे खिसका सकता है पूरे इंस्टॉलेशन को काटने और उठाने ऐसी पहले इस तरह ऐसी टॉप साइड को बीच में लेने ऐसी फायदा ये होता है की झूलती हुई क्रेनों के मोशन ऐसी जहाज के पलटने के चांस कम हो जाते हैं और पूरे वजन को उन दो भीमकाय पतवारों के बीच बांट देने की वजह से 11 फीट से भी ज्यादा ऊंची लहरों का सामना करते हुए भी जहाज टॉप साइड को इंस्टॉल कर सकता है या हटा सकता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरह के भारी भरकम काम को भी कितनी आसानी से कर लेता है और आराम से अपने विशाल कार्गो को सुरक्षित रखते हुए ले जाता है दुनिया का सबसे चौड़ा जहाज पहली नजर में इस जहाज को देखने वाला कोई भी व्यक्ति ये सोचने की गलती कर सकता है कि इसे आधा काट दिया गया लेकिन इससे चकमा मत खाना भाई क्योंकि ये राम फॉर्म टाइटन की पूरी साइज है हालांकि इसकी लंबाई में जो कमी है वो चौड़ाई से पूरी कर देता है दो फीट चौड़े इस ट्राइंगल के शेप के जहाज का एक पिछला सिरा है जिसे नोटिकल भाषा में स्टोन नाम दिया गया है ये दुनिया की किसी भी सिंगल हल शिप ऐसी ज्यादा चौड़ा है बदकिस्मती ऐसी इसके अजीब ऐसी प्रपोशन की वजह ऐसी इसे दुनिया के सबसे बदसूरत जहाज का खिताब भी दिया गया हालांकि लोग इसे ऐसा नहीं कहेंगे अगर उन्हें पता चल जाए कि इसके ऊपर मौजूद सारा कबाड़ किस मकसद से है तो भाई राम फॉर्म टाइटन एक सीस्मिक वेसल है जिसका उपयोग समुद्र तल पर मौजूद जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स का पता लगाने और मापने के लिए किया जाता है ये सब विश्वसनीय काम के लिए लहरों के ऊपर कॉम्प्लेक्स सेंसर ऐसी लैस चौबीस अलग अलग स्ट्रीमर केबल्स को तैराता हुआ खींचता है ये जहाज के स्टोन के ऊपर विशाल विंचो की एक सीरीज आरोप स्टोर किए जाते हैं लेकिन जब ये पूरी तरह ऐसी खुल जाते हैं तो हर उन्तालीस फीट ऐसी अधिक लंबा होता है इसलिए जब वे इस तरह पानी के ऊपर फैले होते हैं तो वे इतने बड़े कवर कर सकते हैं जो साइज में फोर एंड हाफ वर्ग मील से अधिक हो इस डेटा से नीचे के समुद्र तल का एक जबरदस्त थ्री सर्वे बनता है जिसके तैयार होने ऐसी ये संकेत मिल सकता है की क्या अंधेरी गहराइयों में गैस या ऑयल फील्ड छिपे हुए लेकिन फिर राम फार्म टाइटन को इतना चौड़ा होने की क्या जरूरत है वेल पाइनरिंग स्प्रिट की तरह इसकी अतिरिक्त चौड़ाई जहाज को खराब मौसम में स्थिर रहने में मदद करती है इसलिए ये उन सभी हजारों सेंसर से क्लियर डेटा इकट्ठा कर सकता है इसका पिछला हिस्सा बड़ा होने के कारण ये उन सभी 24 विशाल स्ट्रीमर को बिना उलझाई खींच सकता है तो भाई निश्चित ही ये जहाज लहरों पर तैरती सबसे सुंदर चीज तो नहीं हो सकता लेकिन यार जब इतना खजाना हो तो सुंदरता की जरूरत ही क्यों है दुनिया का सबसे लंबा जहाज एकदम सटीक नाम वाले के एडवेंचर के बारे में अगर कोई एक बिग बजट फिल्म बनाए तो कोई भी इसे सच नहीं मानेगा यह एक सनसनी खेज कहानी होगी जिसमें अब तक के सबसे बड़े जहाज की बॉम्बिंग डूबने और फिर समुद्र के तल से निकालकर एक बार फिर से समुद्र के ऊपर सेवा में लाने की दास्तान होगी यार सुनने में हकीकत नहीं लगता है ना तो यार ये ऐसे कितना बड़ा हो गया वेल well, इसका सिर्फ रडार ही भयंकर 208 टन का था ये लगभग पाँच लाख पैंसठ हजार टन माल ढो सकता था और ये 1503 फीट की चौंकाने वाली लंबाई का था अगर इसे एक सिरे पर खड़ा कर दिया जाए तो ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ऊंचा हो जाएगा तो भाई ऐसी साइज होने की वजह ऐसी दीवाइज एक बार में लगभग चार मिलियन बैरल क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर सकता था आपको इस बात ऐसी आइडिया आ जाएगा की इतनी मात्रा में पानी नाइग्रा फॉल से नीचे गिरने में चार मिनट लगाता है या फिर और गहरा कम्पेरिजन करें तो ये ऑयल है कि लगभग 270 सौ सत्तर ओलंपिक स्विमिंग पूल लबाल लब भर जाए लेकिन जब इसमें इतना सारा ऑयल लदा हुआ था तो ये जहाज पानी में 80 फीट ऐसी ज्यादा धंस गया था इसका मतलब था भाई की ये इतना भारी था कि ये इंग्लिश चैनल या पनामा नहर से नहीं गुजर सकता था क्यूँकी इसके भारीपन की वजह ऐसी इसके उथले समुद्र में फंस जाने का खतरा था लेकिन इसके डूब जाने की वजह ये बिल्कुल भी नहीं थी उन्नीस की बात है ईरान इराक युद्ध के दौरान इस टैंकर आरोप बेरहमी ऐसी बमबारी की गई और ये ईरानी तट के उछली लहरों में डूब गया लेकिन इतने कीमती जहाज को समुद्र तल पर सड़ने के लिए तो नहीं छोड़ा जा सकता था है ना तो इसलिए इसे चमत्कारिक रूप से, से बचाया गया इसको रिपेयर किया गया और इसका नाम बदलकर हैप्पी रख दिया गया यार आखिर इस तरह एक नई जिंदगी मिलने पर कौन हैप्पी नहीं होगा जब दो साल चलने वाला रिपेयर वर्क पूरा हो गया तो उसे बेच दिया गया और उसका नाम बदलकर जहरे वाइकिंग रख दिया गया लेकिन दो में इसे फिर से फर्स्ट ऑल सीन को बेच दिया गया जिन्होंने इसका नाम बदलकर द नॉक नेविस रख दिया अब इस जबरदस्त कहानी का आखिरकार दो में अंत हो गया जब इसे बने हुए चालीस साल से भी ज्यादा हो चुके थे इस टैंकर को सेवा से हटाकर स्क्रैप कर दिया गया वाह भाई इतना ड्रामा होने के बाद सिवा इस जाइंट के सामने टाइटैनिक भी समुद्र की एक बूंद की तरह लग रहा है शानदार बल्क कैरियर्स जब नॉन लिक्विड कार्गो को ढोने वाले जहाजों की बात होती है जैसे कि आयरन ओर तो भाई सिर्फ एक क्लास की शिप ही छाई हुई रहती है ये है वाले मेक्स फ्लीट जो ओर कैरियर की ये एक बहुत ही विशाल क्लास है जिसे ब्राजील की माइनिंग कंपनी वेल ऐसे ओन करती है इस बेड़े का सबसे बड़ा जहाज एम एस ओर ब्राजील के नाम से जाना जाता है जिसकी लंबाई लगभग बारह फीट और चौड़ाई दो फीट ऐसी अधिक है इस विशाल स्टील के जहाज में सात अलग अलग होल्ड है जो एक पूरे टेनिस कोर्ट के साइज के है एक ही ट्रिप में यह ब्राजील ऐसी सीधा चीन तक ग्यारह ट्रक के बराबर आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट कर सकता है लेकिन बोर्ड पर इतना सारा ओर होने से ये वहाँ इतनी जल्दी नहीं पहुँच सकता ये केवल पन्द्रह समुद्री मील की टॉप स्पीड ऐसी चलता है रोड आरोप जमीनी स्पीड ऐसी कंपेयर करें तो लगभग अठारह मील प्रति घंटा अपने एशियाई डेस्टिनेशन तक पहुँचने में इसको लगभग पैंतालीस दिन लगते हैं इस साइज के जहाज भले ही ज्यादा स्पीड ऐसी न चलते हो मगर इन जहाजों के साथ हादसा होने का खतरा हमेशा बना रहता है बदकिस्मती ऐसी ऐसा ही एक जहाज जिसको शिनियो सावाको के नाम से जाना जाता था 2008 में ऐसे ही एक हादसा का शिकार हुआ था करीब एक फीट लंबा और एक फीट चौड़ा ये जहाज एम एस ब्राजील नामक जहाज ऐसी बल्क में कंसाइनमेंट ले जाने वाला ही जहाज जापान के साउथ के इंटरनेशनल सी में अपनी यात्रा के समय अचानक ऐसी लोरोंग यू इक्कीस नामक एक और जहाज ऐसी टकरा गया हालांकि दोनों ही जहाज बहुत ही कम स्पीड से चल रहे थे मगर साबाको के साइज के कारण इस तरह का हादसा होना पक्का था टैंकर को रेस्क्यू टीम से बचाने के बाद पता चला कि लोरोंग यू के करीब 16 क्रू में समुद्री मछलियों का खाना बन चुके थे इस तरह के यही समझ में आता है कि वहाँ समुद्र में साइज वाकई मायने रखता है महा गड़बड़ फिश फैक्ट्री को सुपर साइज जहाज एक ब्राइट और आशाजनक भविष्य से शुरुआत करते हैं लेकिन उनको ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि उनका अंत भयानक हो जाता है और ये बात फ्री पोर्ट चीफ नाम के पैंतालीस हजार टन के ऑयल टैंकर से बेहतर और कोई जहाज नहीं जानता भाई उन्नीस में रूस में निर्मित ये सात फीट लंबा 105 एक फीट चौड़ा जहाज एक मीडियम साइज का टैंकर था जिसकी सर्विस हिस्ट्री भी डिसेंट थी लेकिन दो में इस जहाज को एक चीनी शिपयार्ड ले जाया गया था पर इस पर सौ मिलियन डॉलर खर्च करके इसे एक विशाल तैरती हुई फिशिंग फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया इस पुराने टैंकर को द नाम दिया गया और इसे पूरी तरह से कर दिया गया जिससे अटेंडेंट में से एक विशाल पाइप के जरिए मछलियों को ऊपर खींचता और उन्हें बड़े ब्लॉक में फ्रीज कर देता था इनको जहाज के उन दो विशाल वर्टिकल फ्रीजर्स में रख दिया जाता था जो केवल चौबीस घंटों में पंद्रह टन मछलियों को फ्रीज कर देते थे अगर ये हर दिन काम करता तो इसकी कैपेसिटी पांच लाख सैतालीस हजार टन मछली को की थी जिससे दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई फिश फैक्ट्री बन गया था ये एक पुरानी टैंकर को नए काम के लिए ढालने का शानदार तरीका लग रहा था लेकिन बस एक ही दिक्कत थी भाई लाफाइएट अवैध रूप से काम कर रहा था इसकी ट्रॉलर की सेना दक्षिण अमेरिकी समुद्रों को लूट रही थी और पैसिफिक मैकेरल की बेखौफ ओवर फिशिंग कर रही थी लेकिन उनकी संदिग्ध हरकतों ने उन्हें पेरू सरकार के राडार में डाल दिया एक सनसनी खेस झटके ऐसी लाफाइएट को इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड जहाज घोषित कर दिया गया सरकारी भाषा में जिसका मतलब समुद्री डाकुओं का जहाज था और उस पर आठ लाख डॉलर का भारी जुर्माना लगा दिया गया लेकिन भुगतान करने के बजाय जहाज का नाम चुपके से दमन जाई हावो में बदल दिया गया और इसने अपना अवैध संचालन जारी रखा लेकिन ये बेवकूफी भरा प्लान उन्हें अधिकारियों ऐसी छिपाने के लिए काफी नहीं था दो में विशाल जहाज खबरों में छा गया जब फेडरल एजेंट दमन जाही हाओ पर उस वक्त चढ़ गए जब ये पेरू के बंदरगाह में था उन्होंने जहाज को हिरासत में ले लिया जहाज को पाँच लाख सत्तर हजार डॉलर का जुर्माना चुकाना पड़ा और इसे पेरू के समुद्र में एंटर करने से पूरी तरह से बैन कर दिया गया उम्मीद है भाई कि इससे भविष्य में कोई पायरेट दक्षिण अमेरिकी मैकेरल पर बुरी नजर नहीं डालेगा भीम का भी टन से अधिक माल एक बार में ही ट्रांसपोर्ट करना पॉसिबल नहीं लगता लेकिन भाई यकीन मानिए कि ब्लू मार्लिन बिल्कुल कर सकता है 712 फीट लंबे और 138 फीट चौड़े इस भारी ट्रांसपोर्ट वेसल का डेक एरिया एक पूरे फुटबॉल मैदान ऐसी भी बढ़ा है और ये इसके एक एक इंच का अच्छा इस्तेमाल करता है इसे दो में बनाया गया था ताकि ये ऑयल रिंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स और यहाँ तक की दूसरी कार्गो शिप्स को उठाकर ले

करने के लिए इंजीनियर्स ने इसमें एक क्रांतिकारी फीचर बना डाला एक सेमी सब सिस्टम तो माल लोड करते समय ये जहाज आंशिक रूप से अपने डेक को तैतीस फीट पानी के अंदर डुबा देता है ताकि कार्गो को ऊपर तैराया जा सके इसके बाद इसके दोनों तरफ छह विशाल पानी से भरे ब्लास्ट टैंकों को खाली कर दिया जाता है और कार्गो से लदा डेक माल के ऊपर आ जाता है लेकिन अगर आपको लगा कि ब्लू मारलाइन बहुत बड़ी है तो भाई जरा इसके बाप पर एक डालने के लिए तैयार की तो साइज दोनों में मात देता है इसलिए जब मार्लिन जहाजों को ट्रांसपोर्ट करने में व्यक्त था तब विंगार्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहा था एक लगभग तेरह फीट बाय दो फीट के पूरे फिश फार्म को ट्रांसपोर्ट करके यार यह इतना बड़ा है कि इसके सामने ब्लू मार्लिन क्यूट दिखता है हैरत अंगेज पैसेंजर शिप आजकल के क्रूज शिप इतने बड़े होते हैं कि वे प्रैक्टिकली तैरते हुए शहर बन जाते हैं लेकिन वे हमेशा से इतने विशाल नहीं हुआ करते थे 2004 में आइकॉनिक क्वीन मैरी मेरी ने अपने लगभग 217 टन के चार इंजन को घन और साउथ हेम्पटन इंग्लैंड से पहली वॉयस पर निकल पड़ी अपने लॉन्च होने के समय पर ये ट्रांस अटलांटिक ओशियन लाइनर अपनी तरह की सबसे बड़ी शिप थी जो खतरनाक ग्यारह फीट लंबी थी लगभग दस बोइंग सात विमान लाइन से खड़े हो जाए तो भी उनसे लंबी होगी लेकिन इसकी खूबी सिर्फ इसकी लंबाई ये नहीं है भाई इसकी ऊंचाई 232 फीट है और इसके ऊपर 17 अलग अलग डेक हैं। इनमें 1310 सो दस स्टेट रूम है सात रेस्टोर है और यहाँ स्विमिंग पूल भी है। कुल मिलाकर इसका मतलब है कि भाई ये मेहमानों और से अधिक चालक दल को अकोमोडेट कर सकती है यार ये तो एक तो जहाज कम और एक बड़ी ओशन होटल ज्यादा लग रही है लेकिन इसका पानी के नीचे का व्यू देख कर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये लाइनर वास्तव में कितना बड़ा है चार प्रोपल्सर जहाज के स्ट्रोन से लटकते हैं जो नाविक भाषा नहीं जानते उनको बता दें कि ये जहाज का पिछला भाग है। इन में चार विशाल प्रोपेलर रखे जाते हैं, जो लगभग बीस फीट चौड़े हैं और अगर इससे भी इसकी भयंकर साइज का अंदाजा नहीं लग पा रहा तो जरा जहाज के पैंदे को आप देख लीजिए यह लंदन के फेमस सोलह फीट लंबी डबल डेकर बसों में से एक के बगल में दिखाया गया है यार उस ड्राइवर ने पक्का कोई गलत ले लिया है लेकिन भाई इतनी बड़ी बनाना कोई सस्ता नहीं है उस समय कीमतों की की के हिसाब से चौंका देने वाला एक बिलियन डॉलर है हालांकि फिर भी आजकल सेल करने वाले दुनिया भर में सबसे बड़े क्रूज जहाज की तुलना में कुछ भी नहीं है यह है सिम्फनी ऑफ द सीज ग्यारह फीट लंबा दो फीट ऊंचा और एक फीट चौड़ा पृथ्वी पर सबसे बड़ा यात्री जहाज एक दशमलव तीन पांच बिलियन डॉलर के खर्च से बना था वो भी 2016 में इसका इंटरनल वॉल्यूम अद्भुत रूप से दो लाख तीस हजार ग्रॉस टन भार का है और भाई ये लग्जरी लाइनर 5,600 हजार सौ मेहमानों और लगभग चौबीस सौ चालक दल को ले जा सकता है ये क्वीन मैरी सेकेंड की पैसेंजर कैपेसिटी की तुलना में लगभग छत्तीस सौ पचास लोग ज्यादा है और जैसा कि आप उम्मीद करेंगे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप छोटा कह सकते हैं इस पर बाईस रेस्टोरों बयालीस बार बहुत से थिएटर और एक आइस रिंक और यहाँ तक कि समुद्र में दुनिया की सबसे ऊंची स्लाइड भी है यार ये एक तरह की गगन चुंबी इमारत ज्यादा है जहाज कम है लेकिन भाई इसके ऊपर इतनी सारी चीज़ों की वजह से ये विशाल वाहन केवल 22 समुद्री मील की टॉप स्पीड तक पहुंच सकता है जो कि बस 25 मील प्रति घंटे से थोड़ा सा ज्यादा है वह ये तेज स्पीड वाला तो नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि इसलिए इसे क्रूज शिप भी कहते हैं है ना भाई ना कि रॉकेट शिप अद्भुत एयरक्राफ्ट कैरियर एयरक्राफ्ट कैरियर दशकों से नौसैनिक शक्ति और प्रतिष्ठा के प्रतीक रहे और ये जितने बड़े होते हैं उतने ही खतरनाक दिखते हैं लेकिन यहाँ यू एस लेक्सिंगटन जैसे कुछ जहाज भयानक रूप से बड़े दिखते हैं। कोई भी जहाज यू एस एंटरप्राइज के विशाल आकार का मुकाबला नहीं कर सकता है ना भाई? नहीं भाई काल्पनिक फ्लाइंग स्टारशिप की नहीं बल्कि अब तक के सबसे लंबे नौसेना पोत की बात हो रही है ग्यारह तेईस फीट लंबे इस एंटरप्राइज को अगर अपने एक सिरे पर खड़ा कर दिया जाए तो यह लंदन की प्रसिद्ध शार्ट बिल्डिंग से भी सौ फीट से ज्यादा ऊंचा हो जाएगा इसे बहुत पहले उन्नीस में लॉन्च किया गया था इसे 90 एयरक्राफ्ट के साथ छियालीस चालक दल को कैरी करने के लिए डिजाइन किया गया था उसके फ्लाइट डेक में लगभग फोर एंड हाफ एकड़ का यूजेबल स्पेस था जो की टू एंड के एरिया के बराबर था हालांकि ये जहाज एक ग्लोरिफाइड स्पोर्ट पिच से कहीं ज्यादा था जिस समय इसे कमीशन किया गया था ये न्यूक्लियर पावर से चलने वाला एकमात्र एयरक्राफ्ट करियर था और आठ अलग अलग वेक्टर इसके दोनों साइड मौजूद चार बड़े प्रोपेलर को ड्राइव करते थे इसकी वजह से ये कैरियर समुद्री मील से अधिक की टॉप स्पीड पर तैर सकता था अगर आपको जमीनी स्पीड जाननी है तो भाई वो होगी लगभग अड़तीस मील प्रति घंटा होने के लिए बनाया नहीं गया था एंटरप्राइज कैरियर क्लास को मूल रूप ऐसी के के बढ़ते ही खत्म हो गई ऐसा इसलिए क्योंकि इस विशाल वाहक को अपने तरीके से कंस्ट्रक्ट होने में तीन साल और लगभग चार मिलियन डॉलर लगे ये पहले बताए गए क्रूज जहाजों की तुलना में ज्यादा नहीं लग रहे हैं लेकिन भाई ये उन्नीस की बात है आज के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से ये तीन दशमलव नौ बिलियन डॉलर का खतरनाक फिगर होगा जी हाँ इस बिलियन में कैपिटल बी लगाना चाहिए किस्मत से अमेरिकी नौसेना का सारा पैसा वसूल हो गया क्योंकि एंटरप्राइज ने छप्पन वर्षों तक उस बेड़े के एक हिस्से के रूप में अपनी सेवा दी जब तक चला अच्छा चला लेकिन कभी ना कभी तो उसे आखिरी मंजिल तक आना ही था इन डिस्ट्रॉयर को देखना मुश्किल है ये कैसा दिख रहा है इससे पहली बार दो हजार सोलह में अमेरिकी नौसेना द्वारा कमीशन किया गया था अब अगर दूसरे नेवल डिस्ट्रॉयर्स के क्लासिक शेप से इसको कंपेयर करें जैसे की अर्ले बर्क और किड क्लास तो आप सोचेंगे की जूम वाल्ट असल में एक तैरते हुए की तरह ज्यादा दिखता है ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई ये अत्याधुनिक डिस्ट्रॉयर दुश्मन को चकमा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो भाई ऐसा है कि रडार सिस्टम बहुत सारी रेडियो एनर्जी फेंक कर चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं जब यह एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो ये रिफ्लेक्ट होकर रडार पर वापस जाती है और बताती है कि वो चीज़ कितनी दूर है और किस साइज़ की है अब समुद्र में चलने वाले अधिकांश मेटल के जहाजों में एक गोल डिजाइन होता है जो उन्हें बहुत ही कुशल रडार रिफ्लेक्टर बनाता है लेकिन इस तरह के स्टील जहाज अपने में बहुत सारे नुकीले एंगल्स को शामिल करते हैं ताकि रेडियो सिग्नल रडार से दूर रिफ्लेक्ट हो जाए और उनका पता लगाना बहुत ही कठिन हो जाए इनफैक्ट इतना कठिन की जूम वाल्ट को ढूंढना एक रेगुलर डिस्ट्रॉय को रडार पर स्पॉट करने के मुकाबले पचास गुना ज्यादा कठिन है और ये इसके विशाल आकार के बावजूद है ये छह फीट लंबा और लगभग इक्यासी फीट चौड़ा है जिससे ये अमेरिका में मौजूद अर्ले बर्ग डिस्ट्रॉयर की तुलना में चालीस प्रतिशत बड़ी चीज है इससे ये दुनिया का सबसे बड़ा नेवल डिस्ट्रॉयर बन जाता है ओरिजिनली अमेरिका इस तरह के अविश्वसनीय जहाजों का निर्माण करना चाहता था बिलियन डॉलर उनके रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अलग रखे गए थे लेकिन भाई इन जहाजों की निर्माण लागत को बहुत ही कम आका गया था इसलिए इनका नंबर घट कर केवल तीन रह गया इसके बावजूद इनकी रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट टॉप पर रही और हर इस जहाज को पूरा करने में सात दशमलव

अमेर की चीजों से कंपेयर करना ज्यादा पसंद है तो भाई ये स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से भी लंबा है हालांकि इन स्मारकों के विपरीत ये प्लेटफॉर्म प्यार से एक जगह नहीं बैठा रहता यह तैरकर अंडर वाटर गैस फील्ड पर जाता है और इसे समुद्र तल से बांधे रखने के लिए बड़े पैमाने पर मोरिंग चेन का यूज होता है ये 25,000 से अधिक कड़ियों से बनी होती है और दुनिया की सबसे बड़ी चेन में से एक है ये एक सेंट्रल बुज से जुड़ी होती है जिसकी वजह से खराब मौसम होने पर यह जहाज एक वेदर वेन की तरह रोटेट करने लग जाता है एक बार जब यह समुद्र तल से बन जाता है तो इसकी मशीने नीचे के गैस फील्ड से खींच लिक्विड नेचुरल गैस और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट का उत्पादन करती है वर्तमान में ये ऑस्ट्रेलियाई समुद्र तट से 330 मील दूर मील बेसिन के ऊपर इंस्टॉल की हुई है जहां ये हर साल लगभग 3.6 का एक बार में एक well, जितनी लिक्विफाइड गैस को प्रोसेस करने की है और ये एक बड़े डेक पर किया जाता है जो की चार सौकर फील्ड की कुल लंबाई से भी बड़ा है और हालांकि इसको पोजिशन करने के लिए इसमें छह हॉर्स पावर के गजब के पावरफुल थ्रस्टर होते हैं इसमें किसी तरह का कोई शन सिस्टम नहीं होता इसका मतलब यह है कि ये टेक्निकली एक जहाज के बजाय एक बार्ज है इसलिए अपनी पोजीशन में जाने के लिए बहुत सी टग बोट्स पर डिपेंड करता है अब बेवकूफ मत बन जाना मेरे भाई उन छोटे टगों की तुलना में किसी दूसरे बड़े बाज की तरह लग सकता है लेकिन हर टग असल में 250 फीट लंबा है और प्रियोल्ड को हर संभव मदद की जरूरत होती भाई क्योंकि जब ये पूरी तरह से लोड हो जाता है तो इस फ्लोटिंग फैसिलिटी का वजन लगभग छह सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के बराबर हो जाता है अब हो सकता है की थोड़ी मुश्किल से इसमें ये समा पाए लेकिन लगता है की इतनी बड़ी बोट आखिर बन ही गई जिसमे आपकी बीवी समा जाए इसमें से कौन सी इम्प्रेसिव वेसल्स में समुद्र में यात्रा करने की आपकी सबसे ज्यादा इच्छा है या फिर आप इतने लकी हैं कि आप इनमें से एक में ऑलरेडी बैठ चुके हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया